नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज सिंह के आदेश अनुसार जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर पटेरिया एवं सभी पदाधिकारियों ने महंगाई के खिलाफ नारे लगा करके जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिला छतरपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में राज्यपाल महोदय के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें महिलाओं ने गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर पटेरिया ने बताया कि बिजली इतनी महंगी होती जा रही है कि हमें पीछे फिर मुड़ के उन्हीं दिनों में जाना होगा जब हम लालटेन और डिब्बी से काम चलाया करते थे। यह किस तरह का आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है जिसमें महंगाई से आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, विकास के सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत महिलाओं को फ्री में सिलेंडर दिए गए थे, उनको डबल कीमतों में भरवाना भी मुश्किल हो रहा है, जो घरों में कचरे के रूप में कबाड़ में डले हुए हैं। इस प्रकार कमर तोड़ महंगाई से आम जनता त्रस्त है और केंद्र और राज्य में बैठी सरकार सो रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व सक्रिय कार्यकर्ता सहित सभी पदाधिकारियों ने महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शामिल राम स्वरूप अहरिवार, शीतल प्रसाद अनुरागी, रियाज खान, शोभा सोनी, राघवेंद्र कुशवाहा, पवन ताम्रकर सहित सदस्य शामिल रहे। खबर जगत के लिए छतरपुर से उदय नारायण अवस्थी की रिपोर्ट।